जोशीमठ रविग्राम खेल स्टेडियम के लिए लोग हुए लामबंद, सरकार से दो दो हाथ की तैयारी हुई शुरू। विधायक महेंद्र भट्ट बोले, रविग्राम में बन के रहेगा खेल स्टेडियम। बताया उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र, उड्डयन सचिव जावलकर से फोन पर की है बातचीत। जोशीमठ के रविग्राम वार्ड में खेल स्टेडियम बनाने की मांग और तेज होने लगी है। रविवार को जोशीमठ के लोगों ने सभासद समीर डिमरी की अगुवाई में जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजकर स्पष्ट चेताया कि यदि 7 दिनों के अंदर रविग्राम में खेल स्टेडियम बनाने और इस भूमि को खेल विभाग के नाम स्थानांतरित करने की घोषणा नहीं की जाती है तो आर पार की लड़ाई होगी। बता दें, 24 मार्च 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री ने जोशीमठ पहुंचकर रविग्राम में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब 18 फरवरी 2021 को जिलाधिकारी चमोली कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें रविग्राम की 1.610 हेक्टेयर भूमि को उड्डयन विभाग के नाम स्थानांतरित करते हुए यहां पर हेलीपैड के निर्माण की बात कही गई है, जिसके बाद जोशीमठ में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट ने रविवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस भूमि को उड्डयन विभाग से खेल विभाग के नाम स्थानांतरित करने की मांग की। विधायक ने कहा कि उन्होंने उड्डयन सचिव जावलकर से भी बातचीत की है और उन्हें जल्द से जल्द जन भावनाओं के अनुरूप इस भूमि को खेल विभाग को हस्तांतरित करने की बात कही है। साफ शब्दों में स्पष्ट हो रहा है कि उड्डयन विभाग की भूमि पर स्टेडियम का निर्माण आज तक कहीं भी नहीं हो पाया है और ना ही होता है। विधायक जी अभी भी हमें धोखे में रख रहे हैं और मैं तो विधायक जी से अभी भी एक बार फिर से विधायक जी से निवेदन करता हूं कि आप अभी भी समय है, स्थिति को संभालिए और इस भूमि को खेल विभाग के नाम पर दर्ज करवा दीजिए, तभी जाके जोशीमठ ब्लॉक का युवा आपके साथ रह सकता है, अन्यथा हम अपनी मांग को आंदोलन के रूप में मनवा कर ही रहेंगे। अगर यहाँ पर स्टेडियम नहीं बनेगा तो आज युवा जिसको बोल रहे हैं खेलो इंडिया खेलो, वो कहाँ खेलेगा? जोशीमठ में, जोशीमठ ही नहीं पूरे पैनखंडा में एक मात्र यही एक ग्राउंड है जिसमें बच्चे आए दिन खेलते हैं। अगर इसी को तुम एरोड्रम बना दोगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? इस जोशीमठ के अंदर रविग्राम में स्टेडियम का ही निर्माण होगा। एक जनप्रति होने के नाते मेरे द्वारा प्रयास किए गए कि पिटकुल की भूमि को खेल विभाग को दिया जाए, लेकिन खेल विभाग को भूमि हस्तांतरण में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। पिटकुल खेल विभाग को भूमि हस्तांतरित करने के पक्ष में नहीं था। फिर एक रास्ता निकाला गया, क्योंकि बार बार आपदा के समय जोशीमठ के अंदर हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ता था, तो आपदा को दृष्टिगत रखते हुए पिटकुल को तैयार किया कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए भूमि की आवश्यकता है। तब पिटकुल ने उड्डयन विभाग को भूमि हस्तांतरित की। मित्रों, मेरी कल भी और आज भी जो हमारे उड्डयन विभाग के सचिव हैं जावलकर जी, उनसे मेरी वार्ता हुई है और मैंने उनसे कहा है, क्योंकि भूमि हस्तांतरण के बाद स्टेडियम निर्माण को प्राथमिकता देने की बात स्पष्ट आनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी इसमें स्पष्ट आदेश हम जारी करेंगे कि वहाँ स्टेडियम बनेगा और आपदा के समय और ऐसे समय पर जब वहाँ आवश्यकता हेलीकॉप्टर की होगी, वहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की भी एक अनुमति उस रूप में रहेगी। ऐसा एक स्पष्ट आदेश ये रविग्राम में उस स्टेडियम के संदर्भ में बहुत जल्दी आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके साथ साथ मित्रों, मैंने आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। पिटकुल द्वारा खेल विभाग को भूमि नहीं दी गई, लेकिन उद्यान विभाग अगर संभव हो तो उस भूमि को खेल विभाग को वह हस्तांतरित करें, क्योंकि 24 मार्च 2019 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रविग्राम में, क्योंकि भूमि एक ही है, रविग्राम के अंदर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई है, उसके क्रियान्वयन के लिए इस भूमि को खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाए, आदि मैंने पत्र दिया है। और वहाँ की जनता को विपरीत परिस्थितियों में जब खेल मैदान बन जाएगा, स्टेडियम बन जाएगा, वहाँ हेलीकॉप्टर उतारने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस प्रकार एक जैसे कि गोपेश्वर के हम सब लोग जानते हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर भी उतरते हैं और खेल की गतिविधियाँ भी चलती हैं। इस दृश्य मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दिया है और मुझे पूरा विश्वास है हम इस दिशा में पहल करेंगे। पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि अगर उड्डयन विभाग हमको खेल स्टेडियम बनाने
पर स्पष्ट आदेश निर्देशित करता है तो एक पक्ष वो भी रहेगा। और मैंने अपनी ओर से दूसरी प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली है, दिल्ली से आते ही उनसे मेरी अलग से वार्ता भी होगी, पत्र मैंने आज ही उनके कार्यालय को भेज दिया है।